नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल चैनल इन खबर। मैं अभिषेक पांडे इन खबर के माध्यम से लेके आया हूं आप सभी के लिए दिन भर की 20 बड़ी खबरें। चलिए रुख करते हैं इन बड़ी खबरों की ओर। इसरो ने सोमवार को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया। एमीसैट के साथ साथ दूसरे देशों के 28 उपग्रह, अमेरिका के 24, लिथुआनिया के 2 और स्पेन तथा स्विट्जरलैंड के एक एक उपग्रह को लेकर लगभग 239 किलो वजनी PLSLV रॉकेट ने सुबह 9:27 पर उड़ान भरी। दिल्ली में आप और कांग्रेस पर गठबंधन नहीं होने जा रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष गांधी ने आपके गठबंधन से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही राज्य की 7 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होना तय है। लोकसभा चुनाव 2019 की लड़ाई अब तेज होती आ जा रही है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वर्धा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। यहां पीएम के निशाने पर कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन रहा। उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस को हिंदू आतंकवाद के मसले पर वार किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने हिंदुओं को आतंकवादी कहने का पाप किया है, इनको सजा देना जरूरी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सोमवार सुबह 2 घंटे के भीतर मध्य दर्ज तीव्रता वाले भूकंप के 9 झटके महसूस किए गए, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने जानकारी दी। पर्चा भरने के बाद मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के यूपी में सबसे ज्यादा सीटें जीतने की बात कही। हालांकि बीएसपी को लेकर मीडिया के सवालों से जवाब देने से बचते रहे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी यूपी में सबसे बड़ा दल होगी, लेकिन बीएसपी के नाम पर पूरी तरह चुप्पी साध ली। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट जारी होने के बाद अब सप्ताह मैट्रिक का रिजल्ट जारी होने की उम्मीद है। बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट इस सप्ताह बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.biharboard.ac.in पर जारी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के तलाला विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को रोक दिया है। दरअसल आयोग करार दिए गए गुजरात से कांग्रेस विधायक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सोमवार से शुरू वित्त वर्ष में कई नियम लागू हो गए हैं। टैक्स में राहत समेत कुल 7 बदलावों पर आम आदमी पर इसका सीधा असर पड़ेगा। घर खरीदना सस्ता हो गया है, लेकिन कार खरीदने के लिए अब ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। नेपाल में तूफान और बारिश के साथ दक्षिणी हिस्से में 2 जिलों में भारी तबाही हुई है। हादसे में 35 लोगों की मौत हो गई और 400 से अधिक जख्मी हो गए हैं। सरकार ने राहत बचाव कार्य के लिए सेना बुलाई है। करीब 100 जवान प्रभावित इलाकों में भेजे गए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली का दावा है कि नौकरियां घटने के आरोप बेबुनियादी हैं। उन्होंने कहा, मोदी सरकार की 3 बड़ी उपलब्धियां हैं। पहली, सबसे तेज से बढ़ती अर्थव्यवस्था, दूसरी ईमानदार सरकार, तीसरी बिना किसी आंदोलन के सरकार चलाना। दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का मुंबई में नागपाड़ा में इलाके में स्थित फ्लैट 1,80,00,000 रुपए की नीलामी में बिक गया है। तस्करी और विदेश मुद्रा जोड़ तोड़ अधिनियम के तहत इसकी कुर्की की गई। इसकी शुरुआत 1,59,00,000 रुपए से शुरू की गई थी। चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, नेताओं के बयानों का स्तर गिरता जा रहा है। रालोद प्रमुख अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी ने सोमवार को कहा, भाजपा नेता आपको शराबी कहें, आपको मिलावट कहें, तो मैंने भी इनके लिए नाम सोचा है। मैं गाली तो नहीं देना चाहता, लेकिन मैं बहुत ही बड़े जूतियाँ हैं और ये जूतियाँ पार्टी है। Xiaomi ने पिछले महीने अपने ही 2 स्मार्टफोन Redmi Note 7 और Note 7 Pro को भारत में लॉन्च किया था। दोनों स्मार्टफोन डिजाइन, फीचर और अपनी कीमत को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। Xiaomi कंपनी ने हाल ही में Redmi Note 7 और Redmi Note 7 और Mi Air प्रोडक्ट्स वाले ईयरबड्स और Mi Notebook लॉन्च किए हैं। कंपनी 1 अप्रैल को चीन में मेगा लॉन्च इवेंट की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि कंपनी 1 अप्रैल को अपनी 55 मिनट के अंदर करीब 20 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी। IPL का 13वां मुकाबला सोमवार को मोहाली के IS बृंद्रा स्टेडियम में खेला जाएगा। किंग्स इलेवन पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स के बीच रात 8 बजे खेला जाएगा यह मुकाबला। दोनों टीमों का यह 4था मुकाबला है। दिल्ली ने 3 में से 2 मैच जीतकर तालिका में दूसरे नंबर पर है। पंजाब 3 में से 2 मैच जीत चुकी है, लेकिन नेट रन रेट के आधार पर वह 4थे नंबर पर है। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे पर 12,00,000 का जुर्माना लगाया गया है। रहाणे पर यह जुर्माना IPL में 31 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेले गए मैच में स्लो ओवर रेट के कारण लगाया गया है। बालिका वधू की एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी ने 1 अप्रैल 2016 को आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के 3 साल बाद दिवंगत एक्टर के लिए काम्या पंजाबी और विकास गुप्ता ने इंस्टाग्राम पर उन्हें याद करते हुए पोस्ट लिखा है। सारा अली खान भी सोशल मीडिया पर यूजर्स के निशाने पर आ गई है। हाल ही में वो फिल्मफेयर अवार्ड्स के दौरान उन्होंने अपनी स्पीच में शाहरुख खान को अंकल कह दिया था, जिसके बाद ट्विटर पर शाहरुख खान के फैंस भड़क गए और सारा को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। सलमान खान ने आज दबंग 3 की शूटिंग शुरू कर दी है। सलमान खान भाई अरबाज खान के साथ इंदौर में शूटिंग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सलमान खान फिल्म की शुरुआती शूटिंग में फिल्म का टाइटल सॉन्ग शूट करेंगे। हिमेश रेशमिया करेंगे 4 फिल्मों में बतौर लीड एक्टर काम। एक फिल्म की भी हो चुकी है ऑफिशियल अनाउंसमेंट, जिसका नाम होगा जहां मैं रहूं। इसके बाद हिमेश रेशमिया द एक्सपोज के पार्ट 2 में नजर आएंगे। आशा करते हैं कि आपको 20 बड़ी खबरें पसंद आई होंगी। अगर आपको ये खबरें पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।